पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद जहां एक ओर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में पहलवान नरसिंह यादव के मामले की सुनवाई चल रही थी, वहीं बाहर उनके समर्थक उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस वक्त मैं नाडा ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी। बाहर उनके जो समर्थक हैं वो लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इनसे बात करते हैं कि क्या है इनकी मांग। अच्छा, ये बताइए क्या है आप लोगों की, क्या मांग है, क्या लगता है आप लोगों की साजिश हुई है? साजिश डेफिनेटली हुई है और रीसैम्पलिंग होनी चाहिए। टैलेंट को वेस्ट करना और किसी की कॉन्स्पिरेसी की वजह से देश का दुर्भाग्य है, देश का नुकसान है। और पूरे देश भर से ये आवाज़ आ रही है कि इतने अच्छे लड़के को जो इतना डिजर्व करता है, इतने सिंपल घर से, गरीब घर से इतना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, किसी की गलती की वजह से वो लॉस नहीं होना चाहिए। सर, एक महीने पहले ये संपूर्ण भारतवर्ष का नुकसान है। हमें पूरा यकीन है कि भाई नरसिंह 100% गोल्ड मेडल लेके आएंगे और हम ऑफकोर्स डेफिनेटली साजिश हुई है। ये है, अगर नरसिंह डोप में पाया गया है क्योंकि ये रियो जा रहा था, लेकिन इसके साथ जो इसका रूममेट रहता है वो तो रियो नहीं जा रहा था ना, एक ही थाली में दोनों खाते हैं, तो उसका भी डोप कैसे पाया गया, पॉजिटिव कैसे पाया गया, वो तो किसी भी कंपटीशन में नहीं जा रहा था ना। सर, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इसकी जांच हो और जिस जो दोषी है उसको सजा मिले और नरसिंह यादव को सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं और जो दोषी है उसको दोषी के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। ये खिलाड़ियों में गलत भावना देकर देश को तोड़ने की साजिश है। ये जिस तरह से पूरा देश देख रहा है और पूरे भारत का बच्चा इस टाइम, ये किसी कॉमन नहीं है, एक गरीब किसान से आया है और पूरे देश को उम्मीद है कि स्वर्ण पदक जरूर लेकर आया, लेकिन उसके साथ इन्होंने राजनीति करके उसके खाने के अंदर कुछ ऐसा अपराध मिलाया कि रियो ना जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं जो नरसिंह के समर्थक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि नरसिंह यादव के साथ साजिश हुई है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें हर हाल में सरकार को रियो भेजना चाहिए क्योंकि नरसिंह का मेडल तो पक्का है। कैमरामैन प्रदीप महावर के साथ सुमंत कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।